सबसे पहले भगवान विष्णु ने किस पर किया था सुदर्शन चक्र का प्रहार? दोस्तों, भगवान विष्णु का एक नाम चक्रधर है। इनका ये नाम इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपनी उंगली में सुदर्शन चक्र को धारण किया हुआ है। इस चक्र के विषय में कहा जाता है कि ये अमोघ है और जिस पर भी इसका प्रहार होता है उसका अंत करके ही वापस लौटता है। भगवान विष्णु ने जब श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब भी उनके पास ये चक्र था और इसी चक्र से उन्होंने जरासंध को पराजित किया था। शिशुपाल का वध भी इसी चक्र से किया गया था। श्री कृष्ण अवतार में ये चक्र भगवान श्री कृष्ण को परशुराम से प्राप्त हुआ था क्योंकि राम अवतार में परशुराम जी को भगवान राम ने ये चक्र सौंप दिया था और कृष्ण अवतार में वापस करने के लिए कहा था। लेकिन भगवान विष्णु के पास ये चक्र कैसे आया, इसकी बड़ी ही रोचक कथा है। आइए जानते हैं इसी कथा को विस्तार से। वामन पुराण में बताया गया है कि श्री दामा नामक एक असुर था। इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया और उसके बाद भगवान विष्णु के श्रीवत्स को छीनने की योजना बनाई। इससे भगवान विष्णु क्रोधित हो गए और श्री दामा को दंडित करने के लिए भगवान शिव की तपस्या में लीन हो गए। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने भगवान विष्णु को एक चक्र प्रदान किया जिसका नाम सुदर्शन चक्र था। भगवान शिव ने कहा कि ये अमोघ है, इसका प्रहार कभी खाली नहीं जाता। भगवान विष्णु ने कहा कि प्रभु, ये अमोघ है और इसे परखने के लिए मैं सबसे पहले इसका प्रहार आप पर ही करना चाहता हूँ। जब विष्णु ने किया शिव पर सुदर्शन चक्र से प्रहार, दोस्तों भगवान शिव ने कहा कि अगर आप ये चाहते हैं तो प्रहार करके देख लीजिए। सुदर्शन चक्र के प्रहार से भगवान शिव के 3 खंड हो गए। इसके बाद भगवान विष्णु को अपने किए पर प्रायश्चित होने लगा और वो शिव की आराधना करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्र के प्रहार से मेरा प्राकृत विकार ही कटा है, मैं और मेरा स्वभाव क्षत नहीं हुआ है, ये तो अच्छेद और अधाह है। भगवान शिव ने विष्णु से कहा कि आप निराश मत होइए, मेरे शरीर के जो 3 खंड हुए हैं अब वो हिरण्याक्ष, सुवर्णाक्ष और वो विरूपक्ष महादेव के नाम से जाना जाएगा। भगवान शिव अब इन 3 रूपों में भी पूजे जाते हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने श्री दामा से युद्ध किया और सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। इसके बाद से सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु के साथ सदैव रहने लगा। तो दोस्तों, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको दिखाया कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने किस पर किया था सुदर्शन चक्र का प्रहार। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ जिससे कि आपको इसी तरह की रोचक कहानियाँ और किस्से हमेशा देखने को मिलते रहेंगे।